The renowned maestro, Ustad Bismillah Khan Saab, was once asked what kept him rooted to Banaras. Three things, he replied, Vishwanath, the river Ganga, and the music of Girija Devi. Indeed, Vidushi Girija Devi was quintessential Banaras. The fragrance of the Purab Ang Gayaki followed her everywhere and defined her music. In a performance career of over six decades, that music won her recognition and awards. The Padma Shri in 1972, the Sangeet Natak Academy Award in 1977, the Padma Bhushan in 1989, the Sangeet Natak Fellowship in 2010, and the Padma Vibhushan in 2016, amongst many others. Yet, such was her love and laughter that the entire world was her family, and one of her special homes was here at the Shriram Bharatiya Kala Kendra, a bonding of many years of trust and friendship. एक चीज मुझे बतानी थी कि भारतीय कला केंद्र और शंकरलाल फेस्टिवल के जितने लोग हैं इसमें उनके परिवार के मैं मुझे भी अपने परिवार में उन्होंने शामिल कर लिया था सब गाना बजाना आपस में आना जाना बनारस दिल्ली शादी ब्याह सभी बच्चों के साथ साथ मिल करके हम लोग कलाकार की तरह ही घर की तरह से रहते थे Now she is no longer with us and her absence is acutely felt. But in this tribute, we share some insights into the remarkable life and times of one of Hindustani music's greatest divas. She was born in Uttar Pradesh, and when she was 2 years old, the family moved to Banaras for the children's education. When her mother moved back to their village, she was brought up by her father. तो वो गाने के शौकीन थे उन्होंने भी संगीत सीखा था बनारस में ही सीखते थे तो उनको जब रियाज वाज कुछ करते थे तो मेरे कान में पड़ता ही रहा होगा बचपन से तो मुझे भी चार साढ़े चार साल के से मुझे भी गाने का आ करने का शौक हो गया फिर जब मैं पाँच साल की हुई तो मेरे पिताजी ने मेरा संगीत शुरू करवाया मेरे पहले गुरु जी थे पंडित सरजू प्रसाद जी मिश्रा वो बहुत बड़े सारंगी वादक थे और गायक भी थे उन्हीं से मैंने 10 साल गाना सीखा फिर उनका देहांत हो गया उम्र के थे ही तो मुझे बहुत दुख लगा और मैं 16 साल की हो गई थी तब तक नहीं 17 साल की हुई थी तो फिर मेरी शादी हो गई लेकिन शादी ही तो ऐसा व्यक्ति खोज रहे थे जिसे संगीत का शौक हो मेरे पति ने कहा था कि तुम संगीत करो मगर कोई प्राइवेट प्रोग्राम कोई राजा महाराजा कोई नवाब कोई जलसा कोई मैरिज डे इस सब में तुम कभी नहीं गाओगी तुम करना होगा तो तुम अच्छे बड़े बिग कॉन्फ्रेंसेस होते थे उस समय शुरू हो गए थे उसमें गाओगी या रेडियो में गाओगी रेडियो का बहुत बड़ा महत्व था उस जमाने में फिर मुन्नी हो गई थी मगर दूसरे गुरु जी तब तक हमारे पति ने उनको बुला लिया पंडित श्री चंद्र मिश्रा जी The training of her guru stood her in good stead, with performances on All India Radio beginning in 1949 and a major performance at a music conference in Ara in 1951, which was very successful. This was followed by another conference later that year, this time in Banaras, under the aegis of Sangeet Parishad Lalit. उस समय पंडित जी आए थे रविशंकर दादा अली अकबर भैया ये सब लोग आए थे सभी पंडितों का नाथ ठाकुर प्रवर्धन जी सब गाया बजाया मैं भी गाई इसमें As the years went by, her fame grew and she received many invitations to perform. But then, tragedy struck. Her husband, her support, passed away in 1975. पिताजी के डेथ के बाद माँ बहुत मायूस हो गई
वो जो माँ डायमंड्स के टॉप्स नाक में और अंगूठी जो हमारे पिताजी की ही दी हुई चीज़ है, आज भी पहनी हुई है, इन्होंने सब खोल दिया था। और एकदम सफ़ेद साड़ी में अच्छा नहीं लगता था माँ को। महीनों तो इन्होंने गाया ही नहीं पूरे टाइम, एकदम पंडित किशन महाराज जी, मैं मामा जी बोलती, वो आए, बिस्मिल्लाह खां साहब आए घर में, काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने आकर कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे गाने में ही तो वो थे, तुम्हारे गाने को उन्होंने आज इतना आगे बढ़ाया, तुम गाओ और ये सब पहनो, तुम सरस्वती के रूप में हो, उनके उनके संगीत के रूप में तुम रहो। इन अ चेंज ऑफ सराउंडिंग्स शी वेंट टू कलकत्ता एंड इन दिसंबर 1978 शी वाज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी एज द रेजिडेंट गुरु ऑफ द बनारस घराना। Here, she shared her experience and the versatility of her repertoire with her students. एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि पूरब अंग में सिर्फ ठुमरी ही गाई जाती रही। आज दुखद सत्य ये है कि अप्पा पहले 1.5 घंटा ख्याल गाती हैं और फिर उसके बाद वो ठुमरी गाती हैं, लेकिन उनको लोगों ने रिकॉग्नाइज करवा दिया कि नहीं, वो सिर्फ ठुमरी की मल्लिका है। लेकिन ये बहुत दुख होता है कि लोग सिर्फ अगर उनको ठुमरी में जानकारी रखते हैं, जबकि उनके पास ख्याल और ध्रुपद धमार का भी, निबंध प्रबंध ये सब छंद गान का भी उनके पास में कलेक्शन है। अप्पा जी जो भी मतलब कॉम्पोजिशंस गाती हैं, जो भी उनका जो मीनिंग होता है उसके हिसाब से गाती है। ये नहीं कि सिर्फ परंपरा है, ये यूं गाना है इसलिए, ऐसे नहीं। टेक्स अटमोस्ट केयर टू रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ द लिरिक। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए एक हम लोग कहते हैं कि ये एक पोएट्री का लेवल है, एक कविता का लेवल है। जैसे पढ़ाई लिखाई में ग्रामर होता है, लिटरेचर होता है, उसके बाद पोएट्री होती है। जो ठुमरी का नाम आते ही हमारी दीदी श्रीमती गिरिजा देवी की शक्ल सामने आ जाती है। एवं चमत्कार व्यवहार और गान तो कथा ही नहीं, और गान हमें गुणमुग्ध, और ख्याल और विशेषकर ठुमरी और तराना इत्यादि जे को टप्पा है तो भलो गाय। टप्पा, जहाँ तक टप्पे का सवाल है, टप्पे की वो आलिम है। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कलाकार जितने भी इनके साथ के लोग थे, इनके साथ उनका सभी के साथ एक आत्मीय रिश्ता बना, चाहे वो पंडित रविशंकर जी हों, चाहे अली अकबर खां साहब हों, चाहे विलायत खां साहब हों, चाहे पंडित भीमसेन जोशी हों, चाहे किशन मामा जी हों, चाहे बिस्मिल्ला खां हों, जो भी कलाकार इनके साथ आया वो इनका बन के रह गया और इनको अपने बेटी के रूप में, बहन के रूप में उन लोगों ने इनको प्यार दिया। और सबके प्यार का नतीजा है कि इस उम्र में सबकी उनके ऊपर ऐसी कृपा है कि आज भी जब गाने बैठती हैं तो उनकी गायकी सबसे अलग दिखाई पड़ती है। आनंद की अनुभूति जब होने लगती तो कहते हैं सच्चा गाना यही, सच्चा नाचना यही। वरना तो ऐसे तो ठीक है भाई, कमर्शियल तो बहुत लोग गाते हो जाते हैं और खूब तालियां भी बटोरते हैं ढेर सारे, मगर वही आनंद जिसको आनंद कहते हैं वो तो गिरिजा दीदी ने आनंद पा लिया है। उनकी तो सच बात नहीं है, आनंद से वो भरपूर हैं और जब भी वो सोचती हैं, जैसी सुर लगाती हैं, आनंद दिखता है। मगर अपनी उम्मीद से
हम यही चाहते हैं कि ऐसा स्वर लगे जो आपके दिल तक पहुंचा सके, आपके दिमाग तक पहुंचा सके, आप उसमें फील कर सकिए। अगर दिल से, हृदय से हम आपको खुश करना चाहते हैं, आपको सुख देना चाहते हैं, तो हमें भी पहले अपनी दिल से खुशी, उसमें सत्यता रहनी चाहिए। करली मैं दया भारी जय जम 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 के वलनी, मैं जम 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 के वलनी, जट जटिली जारी शारी चमक दमक नन शरी शांत रया रखना वाला, I'm